बिहार में चमकी बुखार से मर रहे बच्चों को देखने पवन और इनहुआ नहीं पहुंचे। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से अब तक 139 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन भोजपुरी के दो सुपरस्टार पवन और निरहुआ अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। जबकि खेसारी लाल यादव ने जैसे ही सुना बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना हुई है, वो गए वहां के चमकी बुखार के बच्चों से मिले, साथ ही हर रोज एक क्विंटल ऑक्सीजन देने का भी वादा किया। लेकिन हमारे भोजपुरिया के दो सुपरस्टार पवन और निरहुआ अभी तक वहां पर नहीं गए हैं और ना ही उससे रिलेटेड कोई भी बयान जारी किया है। आपको बता दें कि पवन सिंह इन दिनों मुंबई में अपनी पत्नी के साथ हैं और अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, और दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों आजमगढ़ में हैं अपने संसदीय क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए, ताकि आगे आने वाले चुनाव में वो अच्छे से जीत हासिल कर सके। लेकिन ये दोनों सुपरस्टार भले ही कितने भी बड़े सुपरस्टार हों, लेकिन इन्हें सुपरस्टार बनाने में बिहार का सबसे बड़ा योगदान है। और अगर हम हीरोइनों की बात करें तो अक्षरा सिंह जो लगातार बिहार में अपने स्टेज शो कर फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पैर जमा सकी हैं, तो वो बिहार की वजह से ही है। हजार बार वो अपने फैंस का शुक्रिया अदा करती हैं, लेकिन ये क्या, जब बच्चों की बात आई तो अक्षरा को याद ही नहीं आ रहा है कि उन्हें उनके परिवार को कुछ सिंपथी भी देनी चाहिए। रही बात आम्रपाली की, तो आम्रपाली ने लोगों से अपील तो की चमकी बुखार से ग्रसित बच्चों की मदद की जाए, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आम्रपाली अपना वीकेंड बखूबी एंजॉय करते नजर आए। उन्होंने अपने वीकेंड में कबीर सिंह मूवी देखना नहीं भूली, जिससे उन्हें इन बच्चों के मौत का कुछ फर्क भी पड़ता हो। और रही बात अक्षरा सिंह की, तो भाई इन दिनों वो दबंग दमाद की शूटिंग में बिजी है और आगे आने वाले प्रोजेक्ट में बिजी है। लेकिन रानी चटर्जी, काजल राघवानी, खेसारी लाल यादव जैसे कई स्टार हैं, इन्होंने चमकी बुखार को लेकर सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द वो मदद करें बच्चों की, ताकि और बच्चे इससे ग्रसित होकर उनकी मौत ना हो। हमारी भी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द चमकी बुखार पर रोकथाम लगाई जाए। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।